हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप.com। हमारी मराठी सिनेमा की सीरीज चलचित्र पर बगुया में आपका स्वागत है। हालांकि ये एपिसोड 2 हफ्ते लेट आ रहा है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। बहरहाल फिल्म पर बात करते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा इसका ध्यान रखेंगे। कई फिल्में बिना किसी लंबे चौड़े कैनवास के वो इम्पैक्ट डालने में सफल रहती हैं, जो कई बार बड़ी स्टार कास्ट या करोड़ों का बजट मिलाकर भी नहीं मुमकिन हो पाता। आज की फिल्म एलिजाबेथ एकादशी ऐसी ही एक फिल्म है। स्वीट सी कहानी और शानदार परफॉर्मेंसेस, और क्या ही चाहिए एक सिनेमा प्रेमी। एलिजाबेथ एकादशी कहानी है एक साइकिल और उससे इश्क करते दो मासूम बच्चों की। एलिजाबेथ उस साइकिल का ही नाम है, वो साइकिल जो गरीबी की राह पर शहीद होने ही वाली है। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे पंढरपुर में एक परिवार रहता है, माँ, दो बच्चे और नानी। बच्चों के पिता की डेथ हो चुकी है, परिवार पालने की पूरी जिम्मेदारी माँ के सर है। किसी तरह सिलाई का काम करके वो न सिर्फ घर चला रही है बल्कि बच्चों को पढ़ा भी रही है। कट रही है जिंदगी, बच्चे अभाव में भी खुश रहने के आदी हो चुके हैं। उनके जीवन में अगर कोई अकेली चीज़ है जो उन्हें सच्ची खुशी देती है तो वो है एलिजाबेथ। लेकिन कमज़ोरों की ज़िंदगी में सब कुछ हमेशा ठीक कहाँ चल सकता है। सिलाई मशीन की किस्तें समय पर नहीं गई सो मशीन जब्त हो गई, कमाई का इकलौता जरिया चला गया। 5,000 रुपये भरे जाएंगे तभी मशीन फिर से हासिल होगी, कहाँ से आएंगे 5,000 रुपये। घर के बर्तन बेचकर, किसी फंक्शन में खाना बनाने का काम करके और कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके 3,000 तक पहुँच गए, लेकिन बाकी के घर में बेचने लायक भी कुछ नहीं बचा सिवाय एलिजाबेथ के। साइकिल बेच देना ही आखिरी रास्ता है। साइकिल से बेपनाह मोहब्बत करते बच्चे ज्ञानेश और झेंडू को ये कैसे कबूल होगा, वो तो हर हाल में अपनी साइकिल बचा लेना चाहते हैं, वो साइकिल जो उनके पिता ने खास तौर से उनके लिए डिजाइन की थी। साइकिल को बचाने का एक ही रास्ता है, आषाढ़ी एकादशी से पहले 2,000 रुपये का इंतजाम, जिसमें कि सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में बच्चे वो काम करने लगते हैं जिसकी माँ ने मना ही कर रखी है। पंढरपुर में जारी सालाना धार्मिक उत्सव में एक छोटी सी दुकान डाल लेते हैं, चूड़ियों की दुकान। प्लान ये है कि 4 दिन में 2,000 कमा लेंगे और साइकिल बचा लेंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो पाता है? ये चूड़ी की दुकान के साथ कोई दुर्घटना घटती है, बच्चों का सपना बचता है या टूट जाता है? क्या सिलाई मशीन वापस मिल पाती है? जवाब फिल्म देखकर जानिएगा। एलिजाबेथ एकादशी न सिर्फ एक स्वीट फिल्म है बल्कि ये संघर्ष का सबसे प्योर रूप भी दिखाती है। ये फिल्म याद दिलाएगी कि जब आप बच्चे थे तब दुनिया कितनी अच्छी थी। इस फिल्म में कोई विलन नहीं है, हालात के अलावा किसी और चीज को दोष दिया ही नहीं जा सकता। जितने भी किरदार है सबका उजला पक्ष ही दिखता है, सब अच्छे हैं। तभी तो ज्ञानेश के दोस्त उसकी दुकान में बिना स्वार्थ मदद कर देते हैं। मकान मालकिन 6 महीने तक किराए का नाम तक नहीं लेती। टीचर्स गरीब बच्चे की फीस अपने पल्ले से भर देते हैं, और अनजान चाय वाला बच्चों को दुकान लगाने के लिए अपनी जगह में से बिना किसी शिकायत के जगह दे देता है। ये ऐसी ही दुनिया है जो बच्चों की नज़र से देखती है, जहां सब लोग मददगार होते हैं, सब लोग भले होते हैं। ये फिल्म उपदेश देने का कोई अटेम्प्ट किए बगैर अपनी बात समझाते चलती है। पहले सीन से ही फिल्म प्रतीकों में बात करती है। एक तरफ भगवान की मूर्ति को नहलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ साइकिल को। अपनी अपनी श्रद्धा है। इसके अलावा एक ही शहर में दो बिल्कुल अलग नज़ारे भी दिखाई देते हैं। एक तरफ मंदिर में आए चढ़ावे के लाखों रुपयों को दर्जनों लोग मिलकर संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 5,000 रुपये जैसी मामूली रकम के लिए पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। यानी ईश्वर के चरणों में तो धन का ढेर है, भक्त भटक रहे हैं। एक्टिंग की बात की जाए तो बच्चों ने बिलाशक तूफानी अदाकारी की है। ज्ञानेश और झेंडू मुक्ता के रोल में श्रीरंग महाजन और सायली यूं फिट है जैसे हाथ में दस्ताना। इन्हीं के अभिनय का कमाल है कि फिल्म का एक भी फ्रेम बनावटी नहीं लगता। चाहे अपनी साइकिल से मोहब्बत जताने वाले सीन हो या चूड़ियों की दुकान करते वक्त की जद्दोजहद, बच्चों ने सब बड़ी सफाई से निभाया है। उनके दोस्त के रोल में पुष्कर लोनारकर शानदार हैं, बात बात पर गालियां देने वाला लेकिन दिल का बेहद भला दोस्त। माँ की भूमिका में नंदिता धुरी परफेक्ट है। अपनी हताशा, अपनी बेबसी को छुपाकर बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करती माँ को उन्होंने उम्दा ढंग से साकार किया है। नानी के रोल में वनमाला किनिकर भी फिट लगती है। ये फिल्म जितनी कलाकारों की है उतनी ही लेखिका और डायरेक्टर की भी। मधुगंधा कुलकर्णी की कहानी अपने आप में विनर है। धार्मिक नगरी पंढरपुर की सांस्कृतिक पहचान के साथ उनकी लेखनी पूरा न्याय करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बच्चों के नाम ही है, ज्ञानेश और मुक्ता। ये नाम संत ज्ञानेश्वर और उनकी बहन मुक्ताबाई की
याद दिलाते हैं। इसके अलावा वारी के दौरान एक दूसरे को माउली कहकर बुलाते लोग असल पंढरपुर के ज्यादा करीब लगते हैं। यही बात डायरेक्टर के लिए भी कही जाएगी। हरिश्चंद्राची फैक्ट्री जैसी अप्रतिम फिल्म देने के बाद डायरेक्टर परेश मुकाशी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी और उन्होंने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एक शानदार फिल्म दी जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला। फिल्म में सिर्फ एक गाना है जिसके बेहद सुंदर बोल हैं। एलिजाबेथ एकादशी उन फिल्मों में से एक है जो महज इसलिए देखी जानी चाहिए ताकि सीधी सच्ची कहानियां सिनेमाई चकाचौंध में दम न तोड़ दें, इनका चलन बना रहे। मौका निकालकर जरूर देखिएगा ये फिल्म। इसी तरह की और बेहतरीन मराठी फिल्मों के बारे में जानने के लिए आप देखते पढ़ते रहिए lallantop.com। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तो हमारा ऐप भी आ गया है तो उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा।